नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, निगेटिव टेस्ट के बाद भी तबलीग के लोगों को क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना संक्रमण के शक में क्वारंटीन किए गए निजामुद्दीन मरकज से जुड़े लोगों को अभी तक घर ना जाने के देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि जिन लोगों के टेस्ट निगेटिव आ चुके हैं और दो बार क्वारंटीन का समय वो पूरा कर चुके हैं, तो उन्हें डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। ओवैसी ने ट्वीट कर एक खबर का लिंक भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि समय पूरा होने के बावजूद जमातियों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी से अभिजीत बनर्जी बोले, लोगों के हाथ में पैसे देने से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि कोरोना संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे। अभिजीत बनर्जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे थे। इस दौरान बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका और कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या न्याय योजना की तर्ज पर लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। तो इस पर यहां पर आप लोगों को बताते चले, बनर्जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर दिए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम निचले तबके की 60% आबादी के हाथों में कुछ पैसे दे देते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, यह एक तरह का प्रोत्साहन होगा। दरअसल आप लोगों को बताते चले, पिछले लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को न्याय का वादा किया था। इसके तहत देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था। बनर्जी ने यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें कम से कम 3 महीने के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाए, ताकि उन्हें अनाज मिल सके। राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरतमंद तक पैसे पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की मदद यहां पर ली जा सकती है। उन्होंने अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपतियों का हवाला देते हुए कहा है कि यह गलत धारणा है कि ऐसे संकट के समय मजबूत व्यक्ति स्थिति से निपट सकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को आगे बताते चले, पिछले दिनों राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ इसी तरह का संवाद किया था। तो यहां पर दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं राहुल गांधी से अभिजीत बनर्जी बोले हैं, लोगों के हाथ में पैसे देने से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, श्रमिकों का किराया नहीं दे पाने की बात स्वीकार करे सरकार, ये कहा है मायावती ने। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से उन्हें वापस लाने के लिए किराया वसूले जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकारें मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं, तो बसपा इन मजदूरों को भेजने में योगदान करेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी, यह बसपा की मांग है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में बसपा का यह भी कहना है कि अगर सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं, तो फिर वह अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनको भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान
जरूर करेंगी। ये यहाँ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके बातें कही हैं, तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें। और आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार की खुल गई है बड़ी पोल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से यूपी आए मजदूर बोले हमसे लिया गया टिकट का 740 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। मुंबई से यूपी के सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में मजदूर लौटे हैं। इन मजदूरों से रेलवे टिकट के बदले 740 रुपए भी लिए गए हैं, यानी कि हर व्यक्ति से एक टिकट का 740 रुपए लिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के दावों के बिल्कुल ही विपरीत है। और आप लोगों को दोस्तों बता दें, किसी तरह पैसे का इंतजाम करने के बाद मजदूर घर लौट पाए हैं। सिद्धार्थनगर पहुंचे एक मजदूर का कहना है कि उसके पास लॉकडाउन में सारे रुपए पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर उनसे टिकट खरीदने के नाम पर रुपए लिए गए और टिकट लेकर ही उनको ट्रेन में बैठाया गया। उसने कहा है कि मैंने किसी तरह से टिकट खरीदा और अपने गांव वापस आ गया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, केंद्र सरकार की बड़ी पोल खुली है। मुंबई से यूपी आए मजदूरों से टिकट का किराया वसूल किया गया है 740 रुपए प्रति व्यक्ति से। तो वहीं दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गोदी मीडिया के द्वारा जो तबलीगी जमात के लोगों की छवि खराब की गई थी, उस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है जमातियों की तरफ से। रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तबलीगी जमाती। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच तबलीगी जमात के लोगों को लेकर के कई खबरें सामने आईं। क्वारंटीन सेंटर से लेकर के अस्पतालों में तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना के इलाज में सहयोग ना करने का आरोप लगा गोदी मीडिया की तरफ से। तो वहीं उन पर देश में कोरोना के मामले बढ़ाने का दोष भी लगाया गया। इस सबके बीच इस समुदाय के लोग अब कोरोना की लड़ाई में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। तबलीगी जमात के 150 लोगों ने पवित्र रमजान का रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट करने और कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। कोरोना से ठीक हो चुके करीब 150 जमातियों ने दिल्ली के 3 सेंटर्स पर प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया, जिसके बाद यहां पर तबलीगी जमात की सोशल मीडिया पर जमकर के तारीफ भी लगातार हो रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आरोग्य सेतु ऐप पर बोले हैं शशि थरूर, निगरानी राज बनाने के लिए कोविड-19 को बहाना ना बनाए सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की कथित अनिवार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत में निगरानी राज की स्थापना के लिए कोविड-19 को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बनाने से निजता एवं डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में निगरानी राज की स्थापना के लिए कोविड-19 को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए, ये यहां पर कहा है शशि थरूर ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा ऑनलाइन पत्र। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोलने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन पत्र भेजकर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है, शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा यूपी में शराब की दुकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोर्ट सरकार की मंशा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी का आदेश दे सकता है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, इकोनॉमी वॉरियर खरीदी 95,347 रुपए की शराब, बिल की कॉपी हुई सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 4 मई का दिन देश के अल्कोहल लवर्स के लिए बेमिसाल रहा, क्योंकि भैया इस दिन शराब की दुकानें जो खोल दी गईं, सुबह से ही खरीदार ठेकों के बाहर कतार बनाकर खड़े हो गए। कई जगहों पर ये कतारें 1 किलोमीटर से भी लंबी थी। जाहिर है कि इतनी लंबी लाइन में कोई बार बार नहीं लगना चाहेगा, इसलिए
कुछ लोगों ने तो दिल खोल कर दारू खरीदी, इतनी कि उनके बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर छा गई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हैशटैग इकोनॉमी वॉरियर्स के साथ कई बिल शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 मई को कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई। कर्नाटक आबकारी विभाग ने बताया कि 4 मई को राज्य में 45 करोड़ रुपए की शराब बिकी। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने कुछ बिल की कॉपी भी है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पंकज नयन आईपीएस ने ट्वीट करते हुए यहां पर कहा है, तकरीबन सभी राज्यों ने शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है क्योंकि आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। मतलब हम जिनको बेवड़े समझते थे वो देश की अर्थव्यवस्था के चौथे स्तंभ निकले हैं। ये यहां पर लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। तो यहां पर दोस्तों, आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।